आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक सौभाग्यपूर्ण बात है ये कि 500 मुस्लिम समाज के लोग आज ये पवित्र धरती प्रयागराज से चलकर यहाँ पे अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आए हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम सारे कार्यकर्ता और पूरे राष्ट्रीय संयोजक के साथ जो मुल्क माधव हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला काम कर रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके तत्वधान में जो एक इसी पे एक शायर कहा गया था कि हर काम के वजूद पे नाज अहले नजर समझते इनको इमाम हिंद, ये देश की एक तरक्की की बात है, मुल्क ईमानदारी हिंदुस्तान के आगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद फरीद साबरी प्रयागराज से। अरे बंद कर दो इसे, अरे बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, प्यार मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा, प्यार मोहब्बत भाईचारा। ये पकड़ लीजिए, भारत माता की। क्या कितने लोग आपके साथ आए हैं, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हमारे अभी हम रामलला जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, लगभग 600-700 के करीब संख्या है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। थोड़े इधर उधर हो गए लेकिन 700 के लगभग संख्या है और उसके साथ मिलकर हम लोग सब, हमारे बहुत अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा था। हम पिछले 15 साल से, हमारी तमन्ना थी, हमारी आस्था थी कि भाई किसी भी तरीके से ये मंदिर बनना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा जिसके प्रतीक श्री राम हैं उनको हमारा बना रहना चाहिए और राम मंदिर का जो हक जिनको था उनको मिल गया, आज रामलला विराजमान है। इससे बढ़कर हमारे देश के लिए और हमारे देश के सभी समाजों के लिए सबसे खुशी की बात है। अब हमारे देश के लिए हमारी कामना है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाए, हमारा देश एक विश्व गुरु था फिर से विश्व गुरु बने और उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये कामना करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और हमारी सबकी इच्छा है कि हम सब इस देश के अंदर सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ हम लोग रहेंगे, ये हमारा मानना है और इस चीज़ को लेकर हम सब लोग आए हैं। मोहम्मद अफजाल, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मतलब किस तरीके से, क्या कार्यक्रम? हमारा जो है श्री राम लला दर्शन के लिए हम आए हैं। हम सन 2018 में भी आए थे, तब भी हमने यही पैगाम दिया था कि हमारे 1,24,000 पैगंबर हैं कमोवेश, उन्हीं में से आदम अलैहिस्सलाम की आल से हमारे श्री राम जी भी हैं। और जहां तक सवाल पैगंबरों का है तो सारे पैगंबरों की लिस्टिंग नहीं है, तो आपकी भी जो काल्पनिक लोग कह देते हैं तो आपकी भी लिस्टिंग नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि आप पैगंबर नहीं हैं, आप भी आदम अलैहिस्सलाम की आल से हैं, इसलिए हम उनके दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पे इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देने आए हैं। गौसिया खाना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अवध प्रांत संयोजक। धारा 370-35 हो, 3 तलाक हो या राम जन्म भूमि का आंदोलन हो, हम देश के हर कोने में जन जागरण के रूप में इसको ले जा रहे थे। हमारी रामलला ने तीनों मांगे, चाहे धारा 370-35 ए हो या बहनों का ट्रिपल तलाक हो या राम लला जो पिछले 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस सब का आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पूरा कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मना रहा है। आज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की यूनिट यहां पर रामलला के दर्शन करने आई है और पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से डेली कोई ना कोई आ रहा है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की उत्तर प्रदेश की यूनिट यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आई। मेरा नाम इस्लाम अब्बास। चलिए ना बोलिए। आज हम अपने गृह जनपद अयोध्या में कौन से भगवान बैठे हैं? राम। हमें तो महादेव जी लगते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं, हम उनके दर्शन करने आए हैं, हम उन्हीं की संतान हैं और आप उसको श्री राम कहें या महादेव करें या गौतम बुद्ध कहें, हमारे लिए तो वो ईश्वरीय वो है तत्व। इस वजह से हम इस सरयू जी की ज़मीन पर पैदा हुए और हम यहीं पर रहे और हमारे लिए बाई से बशर्रत है, खुशी है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ है। डॉक्टर शबाना आज़मी। हाँ, मैं तौकीर अहमद, काशी प्रांत पूर्व उत्तर प्रदेश सहसंयोजक उसे राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में, बड़े भाई अफजाल साहब और बड़े भाई इस्लाम भाई के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं और हम लोग एकता के प्रति पैगाम देना है कि आज सारे मुसलमान एक होकर
एकजुट कर हम जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बने उसकी कामना लेकर हम आए हुए हैं कि आज जिस तरह से मुसलमानों का आज मोदी जी ने उद्धार किया, आज मुसलमानों के लिए जो मोदी जी मन से बोल रहे हैं कि मुस्लिम युवक के एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान देंगे, आज पिछले 67 सालों के हर सरकारों ने मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया ताकि आज डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज मुसलमानों को मदरसा को डेवलपमेंट किया जा रहा है कि मुस्लिम के बच्चा आज हाफिज कुरान के साथ आलिम के साथ साथ मुस्लिम बच्चा आईएएस भी बने, मुस्लिम बच्चा पीसीएस बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर। क्या मुस्लिम बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? ताकि पिछली सरकारों ने मुसलमानों को शिक्षा के मामले बहुत पीछे किया था। आज हमारा नाम तौकीर अहमद है। नहीं हमने थे नहीं पाई थी नहीं अनिल अनिल मुस्लिम मंच की तरफ से आए हम लोग, मुस्लिम मंच की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से हम लोग आज आए हैं लगभग 1000 आदमी के साथ। हाँ जी 1000 आदमियों के साथ मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से आए अपनी एकता को दर्शाने, राम लला के दर्शन करने। हमारे साथ मौलवी साहब भी मौजूद हैं और भारी संख्या में 7-8 का जत्था अलग अलग, आपने कवरेज भी अभी किया होगा, 800-700 के जत्थे अलग अलग आए हैं। हमारा नाम मोहित खान है। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ।